भी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या, खुशी का है मौका। खुशी का है मौका, अगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, तेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, तेरे आंसुओं सीख लो भैया की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा और बैठ जाएं भैया, बैठ जाएं, आप बैठ करके पुरस्कार आप दें। ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से, एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करेंगे भैया का। देखिए क्या बात है बेटा, हम सब भारत बालों का लिपटा सम्मान तिरंगे में। क्या बात है बेटा, सच्चे देशभक्त हैं तो मीठी मीठी तालियां। हम सब भारत बालों का लिपटा सम्मान तिरंगे में, इस सत्य श्यामला भूमि की सारी पहचान तिरंगे में। और समझना मेरे गीत को, यह हो साहब बेटे बा, उन वीर शहीदों का देखा और हमने बलिदान तिरंगे में। अगर लाइन बढ़िया लगे तो पीछे तक तालियां होनी चाहिए। अरे हमने बलिदान तिरंगे में, अरे ये सारी दुनिया कहती है कि भारत की शान तिरंगे में, भारत की शान तिरंगे में, भारत की शान। आजाद भारत का, आजाद भारत का अमृत महोत्सव, ये बात मेरे हाथी फाड़ दे दुश्मन की छाती। देखिए आज अमृत महोत्सव के उपलक्ष में बीएल कॉलेज में दादा हाथरस में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां पर हमारा हमारी पार्टी लगी हुई थी। बड़े बड़े विधायक सांसद वहां मौजूद थे, बड़ा कार्यक्रम था, दिन में हमारा वहीं पर कार्यक्रम हुआ। तो कहना है मेरा, ये आजाद भारत का अमृत महोत्सव, अरे तिरंगे की ताकत से, अरे तिरंगे की ताकत से विश्व को जगा दो। और देखिए मुझे मालूम है कि तुम स्वयं तालियां बजाओगे। तिरंगे की ताकत से विश्व को जगा दे, और हर घर की छत पे तुम तिरंगा लगा दे, हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दे, हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दे। तिरंगे की ताकत से विश्व को जगा दो, ये
50 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। तिरंगे की ताकत से विश्व को जगा दो, हर हर घर की छत पे तुम तिरंगा लगा। समझ में आ रहा है भैया? नहीं आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। जियो। और ये आशीर्वाद हमें देखिए, आज हमारे प्रेम शंकर गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जैसे हमें लखनऊ और कानपुर में ऐसे आशीर्वाद मिलते थे। ये गुरु आशीर्वाद की अमृत वर्षा थी। कहना है हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दो, और आगे कहना है क्या अमन शांति की शहीदों की शहादत की शान है तिरंगा। देश प्रेम में सारे पतन को पका दो गुरु, देश प्रेम में सारे पतन को पका दो। और हाथ उठा करके बोलना हर घर की छत पे तुम तिरंगा लगा दो, हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दो, हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दो, हर घर की छत पर तुम तिरंगा लगा दो। दादा अमृत महोत्सव मनाने का भी एक कारण है। हाँ, हमारे और तुम्हारे तिरंगे की एक खासियत है क्या? यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था। हाँ। जब हमारे देश के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। हाँ। तो मोदी जी ने उनको बुलाने का काम किया। काम किया तो उन्होंने किया कि इन भारत के बच्चों की पहचान किससे होगी। तो वहां पर बताया गया कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, उन सबके हाथ में एक एक तिरंगा दे दिया जाए, उनसे उनकी पहचान हो जाएगी कि ये बच्चा हिंदुस्तान का है, वो आराम से अपने देश में वापस लौट करके आ जाए। बिल्कुल सार रही है। और जो हमारे देश के तिरंगे से जलता था बाजी पाकिस्तान, क्या बात है, अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के बच्चों ने भी अपनी जान बचाने के लिए और वहां से निकलने के लिए हमारे तिरंगे का सहारा लिया, अपने तिरंगे का सहारा। तो मेरा कहना है करो याद फिर से शहादत जिन्होंने करी इस वतन की हिफाजत। ये तब जान भी लुटा दी भारत माँ की खातिर, जान भी लुटा दी भारत माँ की खातिर, शहीदों को अपने दिल में जगा दो, शहीदों को अपने दिल में जगा दो। और हाथ उठा करके
हरे कर की छत पे तुम तिरंगा लगा बोलने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद में एक कटपीस। उन शहीदों की धरो हर ये उन शहीदों की धरो हर ये आजा शहीदों की आज धरोहर ये आजादी मिली जान खो करके हमको आजादी तब अब इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी अरे अब इसकी रक्षा करना है जिम्मेदारी कर्तव्य अपना अपना ऐसा सगा दो हर घर की छत पे तुम तिरंगा लगा एक बार भैया देशभक्ति गीत है क्या बात बहुत बढ़िया।